स्कूल में पढ़ता था, 1971 में किसानों के बहुत बड़े नेता कैथल में आए थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को मैंने भाषण देते हुए सुना। 1971 में उन्होंने ये कहा था कि किसानों जागो, किसानों होश में आओ। 1971 आज नहीं था। उन्होंने कहा था तेरी बाजुओं से, तेरी बुझाओं से पूंजीपतियों की तिजोरी भरती है और तेरी इस फसल को नीलाम कर देता है पूंजीपति। तुझे अधिकार नहीं कि तू अपनी कीमत फसल की खुद लगा सके। चौधरी चरण सिंह का भाषण 1971 को हुए बहुत दिन हो गए, उसको बहुत दिन तक सुनते रहे और लोगों के भाषण भी हुए। 1971 से लेके आज तक बहुत से किसानों के नेता दिल्ली में गए, उनके भाषण सुने, उन्होंने भी अपने युग में अच्छे काम किए, अपने जमाने में काम किए। आज जिस प्रकार से कहा गया कि आज ये आंदोलन है किसानों का, इसको समझने की जरूरत है। सरकार तो पहले ही जा रही है, कभी कहती है ये तो कम्युनिस्टों का है, कभी ये कहती है चीन का है, कभी कहती है ये पाकिस्तान का है, कभी कहते हैं पंजाब का है। ये कमेरे वर्ग के किसानों, मजदूरों, मजलूमों और व्यापारियों का, सबका आंदोलन है, परंतु उनकी एक भी चाल कामयाब नहीं हो सकी। मैं विशेष तौर से उन गरीब भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर सरकार खरीद नहीं करेगी, एमएसपी नहीं रहेगा, तो फिर उनको सस्ते अनाज कहां से सरकारें देंगी। सवाल खुद ही उठता है कि जब एमएसपी पे कोई भी फसल खरीदी सरकार नहीं करेगी, गोडाउन खाली होंगे, तो डिपो में राशन कहां से आ जाएगा। सबसे ज्यादा मार पड़ेगी गरीब के राशन पे, डाका सबसे पहले पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा कि सरकार ने तो न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर दिया, कहीं पे लिखा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लिखा ही नहीं गया, मंडियां खत्म अपने आप हो जाएंगी। इन मंडियों में तो टैक्स लगेगा, अंबानी और अडानी की मंडी जो बनेगी नहीं, उन पे टैक्स नहीं होगा। ये सरकार मैं समझता हूं एक कठपुतली है पूंजीपतियों की। इस देश में कोरोना काल था, समझने की कोशिश करना कि कोरोना काल के चलते चलते जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, जो कल पुर्जे बनते हैं, मशीनरी बनती हैं, वो इस देश के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो थी वो घट गई उसकी। जिस प्रकार से सर्विस सेक्टर था, बैंक था, एलआईसी थी, उसकी ग्रोथ भी घट गई। तो पूंजीपतियों ने सोचा आखिर ग्रोथ कहां से आई। जीडीपी की ग्रोथ मास्टर जी आई तो कृषि ने संभाला, खेती बाड़ी से आई। तो पूंजीपतियों ने कहा कि मोदी जी ऐसे कानून बना दो कि इन खेत और खलिहान के मालिक तो हम बन जाएं, और इसके मालिक जो हैं आज के हमारे नौकर बन जाएं, और जो नौकर हैं इनके वो भीख मंगे बन जाएं। अडानी और अंबानी के कहने पे ये तीन कानून बनाए गए, और तीन कानून इस देश के अंदर लाए गए। साफ झलकता है जहां के रक्षक ही बक्षक बन गए हैं, जिनकी पार खेत को खाने लगी है, मेरे पूंजीपतियों के इशारे पे बनाए गए। मैं कह रहा था कि राशन किस प्रकार से डाका पड़ेगा, कि राशन आज 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो जहां मिलता है, आज जो गेहूं और चावल मिलते हैं 2 रुपये 3 किलो, तो 3 रुपये में वो नहीं मिलेंगे, 2 और 3 रुपए के हिसाब से खाते में जमा हो जाएंगे। फिर अडानी और अंबानी की फ्लोर मिल से आटा गरीब को 25 से 30, 40, 50 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा, यानी कि गरीब के राशन पे डाका होगा, किसान के खेत और खलिहान पे, इस जमीन पे डाका होगा। और इसी प्रकार से मंडियां बंद हो जाएंगी, व्यापारी का व्यापार चौपट हो जाएगा, आर्थिक खत्म हो जाएंगे। और साथियों, जहां पे एक एक दुकान पे 15-15, 20-20 आदमी काम जीवन निर्वाहन करते हैं, हरियाणा प्रदेश के अंदर अकेले में
3 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 3 लाख मंडियों से बेरोजगारी जब आएगी। हमारे तो एक रिपोर्ट आई हुई है कि 33% लोग बेरोजगारी है इस प्रदेश के अंदर पहले ही। अगर वो लागू हो गए तो मैं समझता हूँ आधे से ज्यादा जनता बेरोजगार हो जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी। साथियों इतना ही नहीं, मास्टर बलबीर सिंह जी कह रहे थे कि एक ऐसा कानून बिजली का बनने जा रहा है, उस बिजली के कानून में लिखा है कि प्रांतीय सरकारों को कोई अधिकार नहीं होगा कि किसानों को बिजली में सब्सिडी दे, गरीबों को जो पीले कार्ड धारक हैं उनको सब्सिडी दे, उसको बंद करके निजीकरण कर दिया जाएगा। अगर कहीं पे पराली का धुआं उठ गया, अगर घास फूस फूंक दिया तो 1 करोड़ रुपये जुर्माना और 5 साल की कैद हो जाएगी। हम हरियाणा प्रदेश के लोग तो मेरे ख्याल में अगर ये कानून लागू हो गया आधे से ज्यादा जेलों में ही चले जाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो सारे दायरे बेच रहा हूं, चाहे मैं कुछ भी करना पड़े इस देश के रेलवे स्टेशन बेच दूंगा, पटड़ियां रह जाएंगी, रेलवे बेच दूंगा, एयरपोर्ट बेचूंगा और 4 महकमे रखूंगा और ये खेती बाड़ी बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करूंगा। साथियों इस देश के प्रधानमंत्री को ये बात का पता नहीं कि हमने जहाँ सरहदों की सेवा की, इस देश के अंदर किस प्रकार के अकाल पड़ते थे, हमने किस प्रकार से अन्न समस्या का हल किया, हमने रात दिन मेहनत करी, बच्चे बूढ़े और जवान जाके कमाए तो इस देश की अन्न समस्या का समाधान हुआ था। दूसरे देश के लोग हमें किस प्रकार से गुर्राते थे, चीन और पाकिस्तान तत्पर और तैयार रहते थे, कहते थे कि पाकिस्तान के सामने भी हम कमजोर पड़ते थे, हमारी बाजुओं की वजह से, हमारे किसान बेटों की वजह से हमने अपने लाल वारे और उनको नाकों चने चबाने का काम हमने किया। और आज ये कहते हैं कि एक फोन की देरी है, आज 106 दिन हो गए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। देश की लोकसभा ये देश देख रहा था, दुनिया देख रही थी किस प्रकार से गुलाम नबी आजाद की विदाई हो रही थी, केवल राज्यसभा से कार्यकाल पूरा हो रहा था और देश का प्रधानमंत्री रो रहा था, परंतु 300 लोग किसान मर गए, मजदूर मर गए, अपनी जवानी गवा बैठे, उनके लिए आपकी आंख में एक आंसू भी नहीं, एक फोन भी नहीं। ऐसी सरकार हमारे ऊपर बैठी है। साथियों कल की बात आपके सामने है, इस प्रदेश के लोगों की, देश के लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि हरियाणा प्रदेश की सरकार गिरेगी, जाएगी कि नहीं जाएगी, कौन किसानों के साथ खड़ा होगा और किसानों के विरोध में कौन खड़े होंगे। मुझे बहुत दुख है, जब कभी भी इस इलाके में आते थे, बहुत से आप में से रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, प्यारे हैं, सब जानकार हैं, यहाँ पे कहा जाता था, हम कहते थे इनको वोट मत देना, तो यहाँ के लोग हमें कहते थे ना भाई रात में भी हमने तो चौधरी देवीलाल इस दुष्यंत में को दिखे, माँ धाना तो मुश्किल नींद आवेगी, तो जाके वोट के डब्बे भर दिए। कल जब किसान के साथ इस प्रकार से अकेला किसान खड़ा था और उनकी वोट जेजेपी की जाकर के इस सरकार के पक्ष में पड़ रही थी, तो लगता था कि चौधरी देवीलाल की आत्मा आज रो रही होगी। आज चौधरी देवीलाल की आत्मा को किस प्रकार से दिखाया गया होगा कि किसान को सरे बाजार लूटा जा रहा है और उसकी वोट आज उस सरकार के पक्ष में पड़ रही है। साथियों मैं आपका ज्यादा समय तो नहीं लूंगा, परंतु मुझे दिल में उद्गार तो बहुत है कि कल जो अनहोनी घटना हुई इसके लिए मैं लानत करता हूं। और मेरे साथी बलबीर सिंह जी कह रहे थे ये बांगर की धरती है, कलैत की धरती, उच्चाणे की धरती और यहाँ नरवाणे की धरती, और भी कह देंदे कुलाने की, टुहाने की, बरवाड़ा की, सारी धरती बांगर।